25 अक्टूबर 2003 को मेरी आदरणीय सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी। एक घंटा वार्तालाप हुआ। मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अधिकता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेष कर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने मेरी दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया और वर्तमान में आपकी बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आज साधना भारती बताने के लिए आई है। 2009 में भी मैं झांसी में आई थी जब प्रदीप जैन आदित्य जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उसके बाद आज मैं बीच में भी जितने चुनाव हुए सब में आई हूँ। और आज एक बार फिर मुझे अपने झांसी के परिवार से सीधी बात करने का अवसर मिला है और इस अवसर पर आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी साधना भारती यही बोलना चाहती है। सबसे पहले तो आपका उत्साह, आपका जुनून देखते ही बनता है, तो आज नारे लगाने की तो आवश्यकता है। तो मैं इंडिया गठबंधन का पहले नारा लगवाऊंगी। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगा देना, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये जिंदाबाद के नारों की आवाज तो ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झांसी में प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद बनने जा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए मैं तो यही कह रही हूँ आपसे कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये भाजपा चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। भाजपा रामवादी नहीं, रावणवादी है, कृष्णवादी नहीं, कंसवादी है। और मैं तो ये बताना चाहती हूँ, इन्होंने भाजपा के ठगबंधन में, संजय निषाद ने, अरे भगवान ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी को भाजपा ने योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया, आज तक मंत्रिमंडल पद से नहीं हटाया। भाजपा के नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में, अरे भगवान राम जी की तुलना रम से की, माता सीता की तुलना शराब से की, उसके बाद भी नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा भाजपा ने पहुंचाया, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और इसीलिए मैं यही कहती हूँ, भाजपा ना रामवादी है, ना कृष्णवादी है, भाजपा ना धर्मवादी है, भाजपा तो केवल वोटवादी है, केवल नोटवादी है। और भाजपा का तो एक ही काम है, चंदा दो चंदा लो और धंधा दो। भाजपा का केवल एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कलह, द्वेष, घृणा, अत्याचार, व्यवचार और दुराचार बढ़ जाता है, तब तक परमात्मा सरल, सौम्य, संघर्षशील, साहसी लड़कों का रूप लेकर आता है। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक गॉड से पूजक विषैली भाजपा के दो अहंकारी आका और काका मोदी शाह अब धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, नफरत, द्वेष, घृणा और कलह का वातावरण बनाकर अरे हिंदुस्तान की सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये विषैली भाजपा के दो अहंकारी आका और काका मोदी शाह कह रहे हैं कि ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर लेंगे। अरे मोदी शाह जी, ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जनता के सहयोग से आपका अहंकार मिटा देंगे। यही यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जनता के समर्थन लेकर भाजपा को इस सत्ता से मिटा देंगे, भाजपा की सत्ता से भाजपा को भगा देंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि मोदी शाह जी, आप भी भाजपा की विचैली अहंकारी भाजपा के दो मोदी शाह हैं, अहंकारी मोदी शाह हैं, और दो ही अहंकारी रावण और कंस हुआ करते थे। और तब यूपी के ही लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और उस समय पर अरे यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और यूपी की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भगवान राम ने आता था अहंकार
अखिलेश यादव जी, अरे मोदी चाह के अहंकार को भी मिटा देंगे, भाजपा को सत्ता से भगा देंगे, जनता जनार्दन के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे। अरे बिचैली भाजपा वालों, कान खोल कर सुन लो, ये समय इंडिया गठबंधन का आने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये झांसी के लोग, इनका तो उत्साह बता रहा है कि ये झांसी के लोग तो प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने जा रहे हैं। साधना भारती यही आह्वान करने आई है, आने वाली 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाइए। साधना भारती तो यही कहती है, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है, तो ये लोधी साधना भारती भी तो इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा, आपकी बड़ी बेटी का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। अरे जी, आदरणीय उमा भारती जी को मध्य प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, भाजपा ने उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, जैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर देने का काम किया। और आप तो इस बात के साक्षी है कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने का काम भाजपा ने किया। पहले उमा भारती जी को भाजपा ने चरखारी के चक्कर में फंसाया, फिर झांसी से चुनाव लड़ाकर झांसी का झांसा भी दिलाया, मगर उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान करने का काम उमा जी का नहीं किया। अगर भाजपा ने उमा भारती जी का सम्मान किया होता, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन ये भाजपा उपयोग करना जानती है। मैंने आदरणीय उमा भारती जी को कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो हम दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, आदरणीय केपी यादव का अरे गुना में उपयोग किया, आदरणीय उमा भारती जी का उपयोग किया और मान्य कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया था। और जब भाजपा ने मान्य कल्याण सिंह जी को यहाँ की राजनीति से दूध में से मक्की की तरह बाहर फेंकवाया, तब कल्याण सिंह जी ने जोश में कहा था, मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्द खाक कर दूंगा। कल्याण सिंह जी ने गड्ढा बहुत बड़ा खोदा, मगर उस गड्ढे में भाजपा को नहीं दफना पाए। उस समय पर दुर्भाग्यवश वो राजनीतिक रूप से स्वयं उस गड्ढे में कूद पड़े थे, और इतना गहरा कूद पड़े कि चश्मा लगाने पर भी उस समय किसी को नजर नहीं आए। और जो काम मान्य कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो झांसी की बेटी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा ये साधना भारती खोदेगी। और उस गड्ढे में भाजपा अर्थात भारत जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यही कहने के लिए आई मैं इस समय पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, और अभी मैं गुना की सह प्रभारी भी होकर आ रही हूँ। और जब मैं गुना में गई, तो मैंने देखा कि वहाँ भाजपा ने सिंधिया जी को तो टिकट दे दिया, लेकिन आदरणीय केपी यादव जी का टिकट काट दिया, जिन केपी यादव जी ने सिंधिया जी को कितने लाख वोटों से हराने का काम किया, और जीते हुए प्रत्याशी का टिकट भाजपा ने काट दिया और केपी यादव जी का अपमान करने का काम किया। आखिर क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि भाजपा पिछड़े वर्ग को अपना बंधुआ मजदूर समझने का काम करती है, भाजपा पिछड़े वर्ग का अपमान करने का काम करती है। तो जब वहां पर उमा भारती जी आई, तो मैंने पूछा कि भाई आदरणीय उमा भारती जी का नाम तो स्टार प्रचारकों की सूची में भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो प्रचार करने क्यों आई है। तो मैंने सिंधिया जी को सुना, सिंधिया जी कह रहे थे, अरे उमा जी तो मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूँ। तो मैंने कहा, आदरणीय सिंधिया जी, अगर आप भतीजे हैं, तो एक अच्छे भतीजे की भूमिका निभाइए, और पहले तो वयोवृद्ध नरेंद्र मोदी जी को भाजपा की परंपरा के अनुसार मार्गदर्शक मंडल में शामिल कराइए, और पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर दिखाइए, उसके बाद आप उनको अपनी बुआ कहलवाइए। केवल वोट लेने के लिए पिछड़े वर्ग का अपमान मत कराइए। मैं आपसे भी यही कहने के लिए आई हूँ, आपको समझाने के लिए आई हूँ कि ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन आपका कल्याण चाहते हैं। ये पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, अगड़े वर्ग का सम्मान चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा वाले तोड़ने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं।
की सीता को चुरा कर ले जाएंगे। अपने वोट की सीता को बचा कर रखना, और जब भी कभी आपके चुनाव हो, अरे इन बेईमानों को वोट मत दे देना। आप तो पीडीए और जातिगत जनगणना का सम्मान करने वाली इंडिया का गठबंधन को वोट देने का काम करना। साधना भारती यही कहने के लिए आई कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अग्रतप्रिय भागम भाग। सबने वो किया जो था, जिसकी पहुंच में एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोच में। एक कौए ने कहा, बहन तू सुई की नाम की समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पंखों के पास से पहाड़ तोड़ रही है, तेरी चोच में जितना पानी आएगा उससे तो आपका एक तोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, में नहीं आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं यही समझाने आई हूँ, ये आग लगाने वालों का सूपड़ा सफड़ा करना है, ये जो एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का काम करते हैं उनका सूपड़ा साफ करना है। चुनाव है, लेकिन ये तो महाभारत रूपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद झांसी में हो गया है। चाहे एक तरफ सुराचारियों की सेवा है, अत्याचारियों की सेवा है, लूट खसोट करने वालों की सेवा है, रिश्वतखोरों की सेवा है, घूसखोरों की सेना है, राम मंदिर में भी भूमि घोटाला कराने वालों की सेना है, ये सेना महिलाओं के बलात्कारियों को संस्कारी बताने वालों की सेना है, ये सेना बलात्कारियों का संरक्षण कराने वालों की सेना है, ये सेना पिछड़े वर्ग का अपमान कराने वालों की सेना है, ये सेना नरेंद्र मोदी की सेना है, ये सेना अमित शाह जी की सेना है, ये सेना भाजपा आजाद भारत जनता पार्टी की सेना है। अरे ये तो कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है, कलयुग के कुकर्मी कौरवों की सेना है। दूसरी तरफ सत्यतावादियों की सेना है, पवित्रतावादियों की सेना है, मानवतावादियों की सेना है, धर्मनिरपेक्षतावादियों की सेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद कराने वालों की सेना है। अरे महिलाओं को नगर निगम निकायों में 50% तक का आरक्षण दिलाने वालों की सेना है, किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कराने वालों की सेना है, ये सेना आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी की सेना है, ये सेना आदरणीय प्रदीप सेनादित्य जी की सेना है, ये सेना आदरणीय अखिलेश यादव जी की सेना है, ये सेना आदरणीय योगेंद्र यादव जी की सेना है, ये सेना आदरणीय बलवंत सिंह राजपूत जी की सेना है, ये सेना आदरणीय राकेश रजक जी की सेना है, ये सेना आदरणीय ज्योति सिंह जी की सेना है, ये सेना हमारे हमीरपुर के सपा के प्रत्याशी अजेंद्र राजपूत जी की सेना है, ये सेना झांसी की जनता की सेना है, ये सेना इंडिया गठबंधन के करोड़ों सेना है। अरे ये तो प्रतिज्ञावादी पांडवों की सेना है, मगर महाभारत से पूर्व पांडवों को भी दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, इधर उधर भटकना पड़ा था, तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था। आज जाति की चर्चा को श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करना होगा और अर्जुन रूपी आदरणीय प्रदीप जैनादित्य जी का साथ देना होगा। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर प्रदीप जैनादित्य जी को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। साधना भारती यही कहने आई है कि आपका ये जोश और ये जुनून ये बता रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार भारी मतों से बनने जा रही है। साधना भारती आह्वान करती है कि कुछ ही देर में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी, आदरणीय प्रदीप जैनादित्य जी आप लोगों के बीच मंच पर होंगे, आपके बीच में अपनी बात को रखेंगे। साधना भारती आपके इस जुनून को देखते हुए एक बार फिर से नारा लगवाना चाहती है, बोलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अरे भाई दोनों हाथ खड़े करके बोलो, कम से कम मोदी जी के कान में तो आवाज पहुंच जाए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, चंद्रपाल सिंह यादव जिंदाबाद, चंद्रपाल सिंह यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। ये जिंदाबाद के नारों की आवाज ने प्रदीप जैनादित्य जी को सांसद तो बना ही दिया है, अब ये देखना बाकी है कि सरकार में मंत्री पद लेके झांसी में वो कब लौटेंगे, अब बस इतना देखना बाकी रह गया है। साधना भारती ये कहने आई है, ये भाजपा वाले बड़े ही चालाक हैं, ये हिंदू मुसलमान में बांटने की बात करते हैं, कभी कहते हैं लाल हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का है, अरे मैं कहती हूँ नफरतों का हाथ देखो,
ज्यादा हो गया। अरे मंदिरों में, हिंदू गिरजाघरों में, ईसाई गुरुद्वारों में से तो मस्जिदों में देखे मुसलमान, ये सोचकर हुई परेशान कि कहां मिलेंगे इंसान, ये पेड़ पौधे, ये पत्ते, ये शाखाएं परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अरे ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो बस निवालों को जानते हैं, बस निवालों को जानते हैं। अंदाज जमाने को खलता है कि साधना भारती का चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। अरे मैं अमन पसंद हूँ, मेरे चेहरे में दंगा रहने दो, मेरी छत पे भारत का तिरंगा रहने दो, ये भाजपा वाले लाल हरे में हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। मनोज जी, मैं तो ये सोच के परेशान हो जाती हूँ, ये बेचारी सब्जियां कहां जाएंगी? अगर सारी सब्जियां हिंदू और मुसलमान हो जाएंगी तो क्या चकुंदर, गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां हिंदू गृहणियां पकाएंगी? ये तो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान ही कहलाएगा। अरे संगत का असर होता है सब्जियों के साथ साथ, ये पेड़ पौधे भी अगर हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे तो क्या हरे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेने हम हिंदू नहीं जाएंगे? क्या हरे पेड़ पौधों पर लगने वाले लाल फलों और फूलों को मुसलमान खत नहीं लगाएंगे? क्या प्रकृति द्वारा बनाए गए एकता के बंधन को ये भाजपा कट्टरपंथी तोड़ पाएंगे? अरे इन कट्टरपंथियों के आका का चाचा भी सर झुकाएंगे जब झांसी के लोग गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप जैन चित्त जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। साधना साधना भारती केवल इतना बताने आई है, ये भाजपा धर्म को धंधा बना रही है। ये भाजपा वाले कहते हैं कि राम मंदिर भाजपा ने बनवा दिया। अरे राम मंदिर भाजपा के आदेश पर नहीं बना है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है। और भाजपा वाले आपको याद है नारा लगाते थे राम लला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो हमने पूछा कि राम लला मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे? तो भाजपा वालों ने कहा कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है, तारीख तो न्यायालय वाले बताएंगे, राम मंदिर तो न्यायालय वाले बनवाएंगे। और जब न्यायालय ने आदेश देकर राम मंदिर बनवाया तो भाजपा के नेताओं ने गली गली चाकर राम के नाम पर छलने का काम किया, मालाएं पहनने का काम किया। अरे भाजपा वालों, राम किसी की पापा की नहीं है, राम सबके है, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम को अपना समझते हैं, राम उनको अपना समझते हैं, जो राम को अपनी पापा की मानते हैं उनका अंत होना एक दिन निश्चित है। और ये बात साधना भारती नहीं, ये तो भाजपा की कद्दावर नेत्री आदरणीय उमा भारती जी भी कह चुकी है। मैं केवल भाजपा को इतना कहने आई हूँ कि विचैनी भाजपा वालों कान खोल कर सुन लो कि राम नहीं है नारा वो तो बस विश्वास है, भौतिकता नहीं है वो मोदियों की प्यास है। अरे राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु और पंडों का, राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अर्जुन धारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाव में, राम मिले हैं मर्यादा के जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचन मध्य वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसैया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिले हैं ममता मई मा कौशल्या को। अरे राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, राम नहीं मिलते झूठे वादों के फेरों में, क्योंकि राम मिले शबरी के मीठे बेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाती हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाती हूँ, मेरी भारत माँ मेरे लिए महान है, भारत मेरी पूजा है, सर्व धर्म का स्थान है, मेरा हिंदुस्तान धर्म निरपेक्षता की पहचान है, और भाई को भाई से लड़ाने वाला भाजपा का हर शख्स काफिर और शैतान है। और ऐसे शैतानों को सबक सिखाना अब झांसी की जनता का काम है, और ये जनता उस काम को बखूबी निभाएगी जब आने वाली 20 तारीख को के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगी, प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। साधना भारती इतना कहने के लिए आई है कि जब पक्षी के पंखों पर हो पहरे बंदूक की गोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कैसे कोई सपने सजा दे गरीब मजदूर की गोली के, कैसे कोई तिलक लगा दे चंदन कुमकुम रोली के, कहां बनेंगे मंदिर मस्जिद, कैसी होगी राजधानी, अरे पीएम बनकर बदल गई नरेंद्र मोदी की वाली, अरे मंडल और कमंडल ही मातम का मौसम लाया था, आजादी की पर मजहन में खून बहाया था, जब जब प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, ऐसी दुर्घटनाओं के चलते हम देश बनाना भूल गए, कई बम्बों की कर्म हवाए और कहीं पर तिरछी चले, फिर सोन चिड़ैया चूली पर है पंछी गाना भूल चले, सब सियासत के नाम हुए, ऐसी आपाधापी चाक गई है सिंहासन को पाने की, मजहब
पर झंडी बन गई है अब संसद में जाने की। ऐसे चुने हुए चांडालों से भारत माँ की लाज बचाने आए हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं, अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं। मैं यही कहूंगी, आपको यही समझाना चाहती हूँ, आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब कोयल की टोली गिरोह के घर आ जाती है, तब बगुला बगुलों की टोली हंसों को खा जाती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तब मारी अति बेटे को भारी लगने लगती है, जब सभी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब पत्राकों को बंधन में चंदन रोने लगता है। अरे शेर को म्याऊं कह दे, क्या वो ताकत बिल्ली में है? दिल्ली में क्या ताकत होगी? ताकत तो दिल्ली में है। रामायण सिखलाती है, राम धनुष की ताकत ही रावण पर विजय दिलाती है। केवल पाकिस्तान पर मत थोपो अपने पापों को, दूध पिलाना बंद करो आस्तीन के सिक्कों को, अपने सिक्के खोते हो तो गैरों की बनाती है। फिल्म कला की नगरी मुंबई लहू में बन जाती है, दिल्ली के अब सारे दफ्तर मैले मैले लगते हैं, कातिलों के खूनी खंजर संसद में पहले लग रहे हैं, कातिलों के कारनामों से पर्दा हटाना बहुत जरूरी है, पहले घर के हथियारों को मिटाना बहुत जरूरी है। छिपा होने में धर्म की आड़ में झंडा चलाने वालों से देश बचाने आए हैं राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी अमावस की अंधियारी में दिया जलाने आए हैं, अमावस की अंधियारी में अब दिया जलाने आए हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। आखिर क्या कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के तर्ज पर हम जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि पीडीए का विकास हो? क्या आप भी चाहते हैं पीडीए को अधिकार मिले? तो आप जोरदार नारा लगा दीजिए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मुझे लगता है आवाज थोड़ी सी कम हो गई है, जरा जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा लगाओ कि जो कुआ गांव में जब एक पिछड़े वर्ग के युवक अंकित राजपूत ने ऐसे ही सवाल अनुराग शर्मा से पूछ लिए तो अनुराग शर्मा ने उस पिछड़े युवक की पिटाई कराई, अरे थाने में उसे बंद कराया। तो जरा अनुराग शर्मा के भी कान तक नारे पहुंच जाए कि अब पिछड़ों के साथ अति नहीं चलेगी, पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी नहीं करने वाले। अरे हम तो एससी ओबीसी सहित सर्व समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए जाति गठन गणना करा कर रहेंगे। तो दोनों हाथ खड़े करके नारा लगा दो, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। साधना भारती यही कहना चाहती है, मनोज जी का इशारा हो गया है, कह रहे हैं समय कम है, समय कम है, और ये हमारे समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और भी नेता है जिन्हें बोलना है। कुछ ही देर में अखिलेश यादव जी भी आ जाएंगे, आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी भी आ जाएंगे, आपके प्रत्याशी प्रदीप जैन जी भी आ जाएंगे, राहुल गांधी जी भी आ जाएंगे। तो मैं केवल इतना कहने आई हूँ कि जब वो आ जाएंगे तब भी आप लोगों से दोनों हाथ खड़े करके नारे भी लगवाऊंगी और आश्वासन भी दिलवाऊंगी। आपकी बेटी के लिए आपको दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन देना पड़ेगा और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा। जब राहुल जी आएंगे उनके सामने भी मैं दो मिनट के लिए आऊंगी मंच पर और आश्वासन दिलाने का काम करूंगी। मैं केवल इतना कहने के लिए अभी तो आई हूँ कि ये भाजपा बड़ी बेतुकी बातें करती है। अब मोदी जी रैलियों में कहते फिर रहे हैं, कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, सोना छीन लेगी। अरे 17 साल हो गए देश को आजाद हुए, 55 साल से कांग्रेस की सरकारें रही, मैं पूछती हूँ कभी किसी ने आपका सोना छीना? कभी किसी ने महिलाओं का मंगलसूत्र छीना? नहीं छीना। अरे इंदिरा गांधी जी ने देश को अपना सोना दान करने का काम किया, जब जंग हुई राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हुए, सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान करने का काम किया, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी उंगली तक शहीद नहीं कराई आज वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी, आज आपको महिलाओं के मंगलसूत्र का सम्मान याद आ रहा है? अरे जब मोदी जी ने संसद में एक महिला सांसद को सुपर कार्ड का बताया तब मोदी जी के आपको महिला के मंगलसूत्र का सम्मान समझ नहीं आया? जब मोदी जी ने एक विधवा महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित कराया आपको महिला के मंगलसूत्र का सम्मान समझ नहीं आया? जब मोदी जी ने गुजरात में बलात्कारियों को संस्कारी बताने वालों को चुनाव लड़ाया तब मोदी जी आपके महिला के मंगलसूत्र का सम्मान समझ नहीं आया? जब
भाजपा के नेता दयाशंकर सिंह ने और एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना व्याख्या से कराने का प्रकृत्य कराया और आप लोगों को अपनी यूपी की सरकार में मंत्री बनाया, तब मोदी जी महिला के मंगल सूत्र का सम्मान याद नहीं आया। अरे मोदी जी ने एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित कराया, तब मोदी जी आपके महिला के मंगल सूत्र का सम्मान याद नहीं आया। अरे अरे मोदी जी, भाजपा में ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी पत्नी को आजीवन वनवास पर भेजने का काम किया है। पहले टंकी पर सिंदूर और मंगल सूत्र की कीमत उन्हें समझाओ, उसके बाद किसी को झूठे उपदेश सुनाओ। अरे कांग्रेस पार्टी को क्या याद दिलाना चाहते हो? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का काम किया, प्रथम महिला राष्ट्रपति देने का काम किया, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर देने का काम किया, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को देने का काम किया। अरे हम तो मानते हैं नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, इसलिए करते हुए माता विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता, भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं तो यही कहने के लिए आई, हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम निभाएंगे। इंडिया गठबंधन का वादा है, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रदीप जैनादित्य जी सांसद बनेंगे, तो हम हर परिवार की प्रमुख महिला को 1,00,000 रुपए साल के देने का काम करेंगे। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मेरे युवा भाई बड़ी तादाद में है भैया, जो जो ग्रेजुएट हो चुके हो, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हो, आप सबको भी साल के 1,00,000 रुपए हम देने का काम करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार जब थी, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को नगर निगम निकाय में 50% तक आरक्षण दिया, और अब जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अब हम सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी जी हर रैली में कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी हर रैली में कह रहे हैं कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, SC ST OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए हम बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जाति का चयन करना।